देखिए गुण संधि का नियम यहाँ से देख लीजिएगा, अ है, अ रहे या आ रहे, अगर इसमें अगर जोड़ते हैं हरसई या हरसई या दीर्घई तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि आ लेकिन अस्थिर रहेगा, एक तरफ अस्थिर है, आ के बाद हरसई दीर्घई आता है तो ए हो जाता है, आ के बाद हरसऊ दीर्घऊ आता है तो ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद आ के बाद क्या आएगा, री आता है तो अर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब यही परिभाषा हो गया गुण संधि के बाद। गुण संधि का अगर परिभाषा अगर इतना हम लिख देते हैं, पहला में देखिए अगर हम स्वर संधि का 11 को जो वर्ण था ने 11 वर्ण लिखे, तो पहला बार में की किए सजातीय वर्णों का मेल किए, एक तरफ देखिए स्थिर है आ और आ तो स्थिर है अभी भी, और दूसरे तरफ आ हरसई दीर्घई हरसऊ दीर्घऊ री तक हो गया। बचा कौन कौन चीज, ए ओ औ, यह चार गुण और बचल है। तो अगला जो नियम होता है गुण के बाद वृद्धि वाला, उहे अस्थिर रहता है, और कौन चीज ए आए ओ औ जुट करके एक अगला नियम बन गया। अब उस तरह से अब एक तरफ तो दूसरा तरफ पूरा समाप्त हो जाएगा, और वो औ तक समाप्त हो जाएगा, तभी चीज उलट जाता है। अब यह आ के बाद यहाँ चलना शुरू हो जाता है, हरसई दीर्घई हर यह वाला चीज वा उलट करके में आ जाएगा, हरसई दीर्घई हरसऊ दीर्घऊ री के बाद कोई भी स्वर आए उसके बाद फिर अगला भी वही आ जाता है, ए आए वो आओ के बाद कोई भी स्वर जुड़ता है। इस तरह से परिभाषा पद को कंप्लीट हो जाता है। तो इसको इसका परिभाषा अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, गुण संधि का आदि आ के बाद हरसई दीर्घई आए तो ए हो जाता है, हरसऊ दीर्घऊ आए, बार बार आ नहीं बोलना, एक बार बोल देना है कि यदि आ के बाद हरसई दीर्घई आए तो ए हो जाता है, हरसऊ दीर्घऊ आए तो ओ हो जाता है, री आए तो आर हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिए, अब देखिए एक आप क्या बोल रहे थे, अब यही से पहचान करना है आपको संधि विच्छेद में। अब देखिए देवेंद्र क्या है, देवेंद्र क्या है, देवेंद्र, अब इसको तोड़िए तो एक तरफ अस्थिर रहेगा, दूसरे तरफ आ या आएगा, या तो आएगा या तो आएगा, तो देवेंद्र तो क्या हो गया, देव जोड़ इंद्र। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन है, देव देखिए देव हो गया ने, यहाँ आ गया, देखिए आ का मेल है, और यहाँ आ जोड़ हर सही क्या होगा, देखिए आजोड़ हर सही क्या होता है, ए हो जाता है, अरे का क्या है, हम लोगों को तो यही खोजना नहीं रहता है, हम पहचानेंगे कैसे, अगर कोई शब्द है उसमें ए आ गया, ओ आ गया, अर आ गया, तो समझना है वो एकार ओकार अगर मिल गया तो हमको यही देखना है। यहाँ पर ही अगर देखे, अगर हमको कुछ नहीं पता है तो हम यहाँ से पकड़ेंगे, और ये भी देखना है कि ये शब्द हम टूट कहाँ से रहा है। अब देव है कहेगा कि हम दे करके इधर तोड़ देंगे, तो यहाँ जानकारी होना चाहिए कि शब्द का जानकारी होना चाहिए कि देव एक शब्द है, तो वहाँ से ही तोड़ेंगे, इसका जानकारी होना चाहिए। देवेंद्र हो गया, देव जोड़ इंद्र हो गया, जैसे उपेंद्र हो गया या उपेंद्र हो, अच्छा उपेंद्र कोई तो एक ही जैसा हो गया, दूसरा दे देते सत्येंद्र, अच्छा धर्मेंद्र ठीक है भाई, धर्मेंद्र ऐसे नहीं होगा, अच्छा धर्मेंद्र, धर्म जो क्या होगा, धर्म जोड़
अब इंद्र, अब ये बताइए कि इंद्र में ऊपर जाएगा कि इंद्र ऐसी लिखाएगा कि ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इंद्र रहेगा नहीं रहेगा तो ये कब आएगा नहीं रहेगा क्या बात कर रहे नहीं रहेगा इंद्र ऐसी लिखाता है तब ऊपर में है ही नहीं। आप बताते हैं अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। सबसे बड़ा चीज जो हिंदी जानना है, मुंह का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे धर्म हो गया तो आप यहाँ पर कहिए कि अंतिम में र आ रहा है, तो यहाँ पर ही ना मुंह पर ध्यान देना, धा के बाद मुंह से र निकल रहा है धर्म, ओकर बाद म बोलल जा रहा है, पहले धा के बाद र का उच्चारण मुंह कर रहा है, उसके बाद म आ रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या है आ है, और यहाँ क्या है हरसई है, तो आ जोड़ हरसई क्या होगा, आ जोड़ हरसई क्या होगा, ए होगा, यह ठीक है। एक और देते हैं, कोई देते हैं गोपेश, क्या है गोपेश, अब है गोपेश इस क्या होगा गलत है, इस जैसे लिखाएगा सब दिन इस वैसे ही लिखाएगा, पिछला में ऐसे लिखेगा कैसे गलत हो जाएगा। इस भगवान, इस मतलब भगवान इस ऐसे ही लिखा जाता है, जानकारी होना चाहिए। इस बदलेगा नहीं कभी, कहीं भी लिखाएगा तो इस ऐसे ही लिखाएगा। तो गोपेश आजोड़ दीर्घाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। मेन है कि ए हम आगे जाते हैं, वो बोला सूर्योदय, सूर्योदय क्या होगा, सूर्योदय सूर्य जोड़, सूर्य जोड़ उदय, ठीक है। सूर्य में हासू का तो होगा कुछ तो जिससे वो खाली खूब आता है का, हाँ सूर्योदय, हाँ इसमें नहीं बदला, ये जानना है, वही तो है कि जहाँ वहाँ आपको ऑप्शन देगा तो सूर्य आपको ये जानना है कि सूर्य इस तरह से लिखा जाता है, अब वहाँ पर ऑप्शन घुमा के भी आपको दे सकता है। तो यहाँ कौन चीज का मेल हो गया, देखिए र का मुंह से सूर्य बोलते हैं तो सू के बाद र मुंह में आता है, उसके बाद या आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया अ जोड़। अच्छा यहाँ आकार का मेल हो गया आकार आर, री का मेल हो गया, तो यहाँ आर बना था, ठीक है आर, आर मतलब हलन, तो यहाँ आकार आर री का मेल हुआ, तो यहाँ भी आर बना है, इस तरह से समाप्त हो गया गुणसन। वृद्धि का मतलब होता है कि वृद्धि अभी तक जितना देख लीजिए, एक चीज यहाँ वृद्धि अभी इसके अगला में की था ए था, और क्या था ए था और ओ था, ओ था, यह दुगो था, री था, री का नहीं इसमें, तब इसमें वृद्धि होगा तो देखिए आय हो जाएगा, और इसमें कब वृद्धि, दोनों वृद्धि का मतलब यही होगा आगे बढ़ गया नहीं, हाँ वृद्धि कर गया तो वृद्धि, आखिर जो नाम रखा है तो कारण तो कुछ है, तो यहाँ पर ही कैसे होगा जी, तो देख लेते हैं वहाँ भी कहाँ तक, री तक में समाप्त हो चुका था, तो आ के बाद ए आए ओ आओ, यही सब चार गो शब्द बचल है, तो आदि आ के बाद वृद्धि कैसे लिखा जाता है, बोला बन जाए तब।
पढ़ाए वाला दिमाग में नहीं अटेगा ऐसे कैसे डिजिटल बनना पड़ेगा डिजिटल बनना पड़ेगा अब अपग्रेड कर रहे हैं वाईफाई लगे ले कितना अपग्रेड हुई यहाँ फिर भी बोर्ड लगेगा सरकारी स्मार्ट बोर्ड लगेगा एकदम बड़ा लग रहा है डिजिटल बन गया फिर दिए सांग देखिए यहाँ भी देखिए और क्या है अस्थिर है यहाँ भी और एक तरफ नहीं कोई परिवर्तन हो रहा दूसरा तरफ बदल रहा है आ के बाद ए या आई आ रहा है तो क्या हो जाएगा देखिए अभी बनवे अथी क्या होगा आई ही होगा आ के बाद आ या आ में अधि जुटता है क्या ओ जुटता है या आओ जुटता है तो क्या हो जाता है आओ हो जाता है यदि हम इतना लिख दिए तो हम यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि आ के बाद ए या आए आए तो आए हो जाता है तथा ओ या आओ आए तो आओ हो जाता है ठीक है कंटिन्यू अब एग्जांपल ही देखते हैं ठीक है जो नहीं आ रहा उसको भी छपाएंगे जो आ रहा उसको छपाएंगे इसका क्या हो जाएगा देख रहे हैं अब इसी शब्द से पहचान करना है समझ गए अंत आ के बाद यदि ए या आए आता है तो आए हो जाता है ओ या आओ आता है तो आओ हो जाता है यदि इसका एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है अब सदैव क्या है सदैव क्या है सदैव सदैव बनाइए टूटना एक तरफ तो आ आएगा या आएगा ठीक से है दूसरे तरफ आपको सोचना है सदैव सदा जोड़ अब ये आप बताइए कि अब ऐसे होगा कि अब में ऊपर जाएगा एक होगा कि ऐ होगा क्या है यही ठीक है तो सर मतलब जानकारी इतना होना चाहिए संधि में ही चीज है कि कौन शब्द शुद्ध कैसे लिखाएगा ये जानकारी आपको खुद रखना है अन्यथा कोई उपाय नहीं नियम जानने के बाद भी गलती होगा देख लीजिए सदा जोड़ तो यहाँ कौन सी आ रहा है आकार आ जोड़ एक आमेल हो रहा है तो बन जा रहा है आय का यह कैसे तो हो जाएगा कहाँ गलती सर ठीक है तो है ज्यादा दिमाग लग रहा है ठीक तो है हाँ ये होता है या इससे या ऐसे अटक जाएगा आय वाला ये है नाऊ में दो लग यहाँ यहाँ दो मात्रा खाली वही नीचे नहीं होगा क्या होगा एक जोड़ क्या होता है एक कौन चीज का मेल हो गया जी
आजोड़ ये हो गया, क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, ठीक है। ये वो तो हो गया क्लियर। दूसरा का एग्जांपल ले लेते हैं। बनौषध, बनौषध बनौषध देखिए, बनजोड़ औसत। हमको लगता है कि अब ज्यादा हो गया, रोड में नहीं नहीं हम छोड़ दो, तीन को कल दे दीजिएगा। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। और लॉयड बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल, यानी बोटनी और जूलॉजी याद रखिए, दोनों गार्डन दार्जिलिंग में ही मौजूद है, समझ गए। अब बताइए, थ्री क्लास का पहला चैप्टर से ही इतना क्वेश्चन है, पहला चैप्टर में ही इतना कंफ्यूजन, इसलिए अगर नीचे से ही पूछ दे तो क्या होगा, दिक्कत तो होगा। और टाइगर हिल कहाँ है? टाइगर का दिखाने बात आएगा तो पश्चिम बंगाल में होगा। टाइगर हिल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? कंचनजंगा असम में है, सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर है कंचनजंगा। सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर है कंचनजंगा। जाए तो कह रहा है कि लंबे बालों वाला पशु है, या ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, सिक्किम में भी यह पाया जाता है। अच्छा, हिमालय में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? अति हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? नहीं, भी पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में ही है। अच्छा, ये बताइए कि पर्वतारोहण संस्थान काहल बनाया जाता है? चढ़ने के लिए काहल बताएगा, वो बनाया एक तरह से ऑफिस अपना खोल के रखा वहाँ, उसका लेखा जोखा भी ऑफिस है, तो सब तरह का कार्यक्रम रखेगा। अगर आपको चढ़ना है तो आप कहीं से लीजिएगा ना परमिशन की, चढ़ जाइएगा। वही हुआ ऑफिस का रिपोर्ट करना। इसका ऑफिस कहाँ है? दार्जिलिंग में ऑफिस है, समझ गए। और इसका स्थापना कब हुआ बताइए? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान का स्थापना कब हुआ? 1954 में, काहल एवरेस्ट की चढ़ाई के खुशी में। और वहाँ पर उसका जो ऑफिस है, वहाँ किसी का मूर्ति लगा हुआ है। किसका मूर्ति लगाया हुआ है? तेनजिंग नोरगे, तेनजिंग नोरगे का, जो सबसे पहले पर्वत पर चढ़ा उसी का मूर्ति वहाँ लगाया हुआ है। ये सब चीज देखिए, याद करे भला, हिंदी के साथ साथ जीके जरूरी है। हिंदी में का बुक, क्लास 3 का बुक, SCERT में है। अगर इसी से पूछ दे, खूब पढ़ लीजिए दर्रा और पहाड़ पर्वत और ये वाला छूट जाए, और इसी से पूछेगा, इसी से हाँ जो ढांचा